हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ बुक है और चैप्टर सिक्स है एक्सरसाइज 34। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, तो ये बनाना काफ़ी आसान है, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सिम्प्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो पेज लेते हैं और इसको यहाँ पर वन नंबर ले लेते हैं। ये वन नंबर, वन बाई टू डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो वन बाई टू हो गया, थ्री बाई फोर और एट बाई नाइन। तो यहाँ पे जो भी कटेगा उसको काट लेते हैं, कट जाने के बाद जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा कटेगा, ये ऊपर नीचे काटा जाता है, इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कहीं से भी कट सकता है, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर कट रहा है फोर टू जा एट, ये कट रहा है, इसको काट लेते हैं, फोर टू जा एट, ये कट गया, और ये टू टू, ये कट जाएगा, टू वन जा टू, ये हो गया। तो बच क्या गया, ऊपर में थ्री बच गया है और नीचे में नाइन, तो ये थ्री से भी कट रहा है नाइन, तो थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया। अब क्या बचा, ऊपर में वन और नीचे में थ्री, तो ऊपर वाला वन लिखा जाता है, वो लिखना ज़रूरी होता है, तो वन बाय थ्री, इसका मतलब है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, वन बाय थ्री। ये हो गया, टू नंबर लेते हैं यहाँ पर, टू नंबर, टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू इंटू टू बाई सेवन, ये हो गया। कौन कट रहा है, यहाँ टू वन जा टू, ये कट गया और अब कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में बच गया टू और नीचे में सेवन थ्री, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो जाएगा, तो टू बाय ट्वेंटी वन, कटने वाला नहीं है और नीचे में बड़ा है, इसलिए यह मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लेते हैं थ्री नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है थ्री बाई सेवन इंटू वन, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है वन एंड टू बाई नाइन इंटू टू बाई थ्री, ये हो गया। तो इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री बाई सेवन जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं, नाइन वन जा नाइन हो गया और टू, नाइन टू एलेवन हो गया, एलेवन बाई नाइन इंटू टू बाई थ्री। कौन सा कट रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कट रहा है थ्री वन जा थ्री, ये कट रहा है और इसके बाद ये तो कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हो गया एलेवन टू जा ट्वेंटी टू बाय नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, ये हो गया। ये बड़ा है इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर नंबर, फोर यहाँ पे दिया हुआ है थ्री बाय फोर इंटू वन एंड वन बाय थ्री इंटू फोर एंड सिक्स बाय सेवन, यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको पहले सीधा करते हैं, थ्री बाय फोर इंटू थ्री वन जो थ्री हो गया यहाँ पे और वन, फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री इंटू और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और टू थर्टी हो गया और फोर थर्टी फोर हो गया, थर्टी फोर बाय सेवन। कौन सा कट रहा है यहाँ, ये तो दोनों कट जा रहा है, थ्री वन जा थ्री और फोर वन जा फोर, ये हो गया। अब ये कटने वाला नहीं है, थर्टी फोर बाय सेवन, तो बच गया गया थर्टी फोर, थर्टी फोर बाय सेवन। अब यहाँ पे ये बनेगा मिक्स फ्रैक्शन, तो सेवन सेवन फाइव जो थर्टी फाइव होता है, सेवन फोर जा ट्वेंटी फोर, तो ये फोर बार में ही जाएगा, सेवन फोर जा ट्वेंटी फोर, तो बच कितना गया, यहाँ पे टू बच गया और फोर सिक्स बच गया, तो इसका मतलब है कि सिक्स बाय सेवन, फोर एंड सिक्स बाय सेवन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे क्या है, फाइव एंड वन बाय थ्री इंटू फोर एंड वन बाई टू इंटू एट बाई नाइन, यहाँ दो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको सीधा करना होगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और वन सिक्सटीन हो गया बाई थ्री इंटू फोर टू जा एट और वन नाइन हो गया, नाइन बाय टू इंटू एट बाई नाइन। कौन कट रहा है यहाँ पे देखना होगा, तो यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन कट रहा है, ये थ्री बार में कट गया, थ्री थ्री जा नाइन और फिर ये टू, टू फोर जा एट, इसको कर देते हैं यहाँ से, और ये थ्री से ये नाइन फिर कट रहा है, तो थ्री थ्री जा नाइन,
अब ये 4 ऊपर में और 16 रह गया और नीचे में 3, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, कितना हो गया 16, 4 जा 16, 32, 16, 63, 64, 64 हो गया और नीचे में 3 हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं इसको। 3 2 6 हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे ये चला गया, तो और यहाँ पे 3 1 3 एक बार में जाएगा तो 1, 3 1 3 1 बच गया, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, तो 21 and 1/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है 2 and 1/4 इंटू 3 and 1/5 एंड 2 and 2/3, सब कुछ सीधा करना होगा। 4 2 8 और 1 9 हो गया, 9/4 इंटू 5 3 15 और 1 16 हो गया, 16/5 और यहाँ पे 3 2 6 और 2 8/3 ये हो गया। अब कौन कट रहा है, यहाँ से 4 4 16 ये हो गया और 3 3 9 ये यहाँ से कट गया और नहीं लगता है कोई कटने वाला है, 5 से कोई कटने वाला नहीं है, नीचे में 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12 हो गया, 12 8 96 होता है, तो 12 8 96 यहाँ पे 96/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, कैसे बनेगा, यहाँ पे 5 1 5 एक बार में गया तो यहाँ से 5 निकल गया, 4 बचा 46, तो 5 9 45 होता है, 5 9 45 46 है, तो 1 बच गया, ये 1 ऊपर जाएगा और नीचे में आएगा 5 19 and 1/5 ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 4/15 इंटू 1/2 प्लस 3/4 ये जो है ब्रैकेट में दे दिया है, यहाँ पे इसको ऐड करना होगा पहले, तो इसका वैल्यू जो आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 4/15 रख लेते हैं और इसका क्या होगा, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इसको एक लाइन लेते हैं, 4 हो गया, तो 2 2 बार में जा रहा है तो 2 1 2 यहाँ 2 हो गया प्लस, और यहाँ पे 1 बार में जाएगा तो 1 3 1 3 हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, तो यहाँ पे एक बार फिर से लेंगे इसको, फिर से लेंगे क्या हो जाएगा 4/15 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5/4 ये हो गया, तो यहाँ 4 1 4 कट गया और 5 3 15 ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/3 ये इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ज़्यादातर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब पहले इसको करना होगा उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सीधा करते हैं, 7 1 7 और 4 11 हो गया, 11/7 प्लस 14 1 14 15 16 17 यहाँ पे हो गया 17/14 ये हो गया, इसको ब्रैकेट में भी रखते हैं इनटू, इसको सीधा करते हैं 3 2 6 और 1 7 हो गया 7/3। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 14 हो जाएगा, 14 और 7 2 14 2 बार में जा रहा है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22 हो गया प्लस 14 1 14 1 और ये 1 बार में जाएगा तो 1 17 17 1 17 हो गया, ये हो गया, इसको रखेंगे ब्रैकेट में इंटू 7/3। नेक्स्ट स्टेप लेंगे यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा, 7 2 9 हो गया 9 और 2 1 3 मतलब 39 हो गया, नीचे में 14 अब मल्टीप्लाई 7/3 यहाँ पे कट रहा है 7 2 14 और 3 से ये कटेगा 3 1 3 और 3 3 9 13 का टेबल से कट जाता है 13 3 39 तो बच क्या गया 13/2 मिक्स फ्रैक्शन बनेगा ये,
इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 6 12 6, 1 बच गया तो 1 और नीचे में 2, 6 एंड 1/2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले सीधा करेंगे, 5 2 10, 10 2 12, 12/5 माइनस 2 1 2 और 1 3 हो गया, 3/2, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इन टू 2/3, 2/3। अब ये क्या होगा, 5 2 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक लाइन लेते हैं यहाँ, 10 ले लेते हैं, 5 2 2 बार में जा रहा है, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24 हो गया, 24 माइनस 2 5 बार में जा रहा है, 5 3 15, ये 15 हो गया, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद, इंटू 2/3, ये हो गया। अब माइनस ये होगा, 24 में माइनस 15 हो जाएगा, तो कितने बच गया, 4 और उधर 5, 9 हो गया, 9/10 इंटू 2/3, तो ये कट रहा है, 3 3 9 हो गया और 2 5 10 हो गया, तो ऊपर में 3 और नीचे में 5, तो नीचे में बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, 3/5, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है और यहाँ मल्टीप्लाई दो पार्ट में दिया हुआ है और यहाँ बीच में है प्लस, तो बोडमास के नियम के अनुसार जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद प्लस किया जाता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई ये पार्ट में और ये पार्ट दोनों पार्ट में देखेंगे कि कोई अगर कट रहा है तो उसको काट लेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 1 3 कट रहा है और 2 2 4 यहाँ कट रहा है, 2 2 4 ये कट गया, और इस पार्ट में 3 1 3 यहाँ कट रहा है और इसके बाद और नहीं है, तो इस पार्ट में कितना बच गया, ऊपर में 1 रहता है तो यहाँ पर हो गया 1/2 और प्लस हो गया यहाँ पर, और ऊपर में यहाँ 1 और नीचे में 4 बचा हुआ है, 1/2 प्लस 1/4, अब ये हो जाएगा दोनों एलसीएम, तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 2 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4 1 बार में गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब है कि ये ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/4, नीचे में बड़ा है ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में ये मल्टीप्लाई है फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे ऐड दिया है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दो पार्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको सीधा करते हैं, 6 1 6 हो गया और 5 11 हो गया, 5 6 11 6 हो गया, इंटू 4 2 8 19 11, यहाँ भी 11 आ रहा है, 11/4, और बीच में प्लस हो गया, 6 1 6 और 5 11 हो गया, 11/6, और यहाँ पे 4 1 4 और 3 7 हो गया, 7/4, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, यहाँ कोई कट नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 11 जा 121 हो जाता है, और यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस देते हैं, और यहाँ पे फिर ये भी नहीं कट रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 7 जा 77 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आसान क्या होने वाला है, आसान जो है यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो यही आसान है, इसमें एलसीएम जब लेंगे तो वही सेम मिलेगा, एलसीएम ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ऊपर में जो रहता है अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो ऊपर में जो नंबर रहता है वही ज्यों का त्यों रह जाता है, 121 + 77, ये होगा प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया, इसको प्लस कर लेते हैं, 7 1 8 हो गया, 8 और 7 2 9 हो गया, और 1 का 1 198/24, तो अब यहाँ पे ये अगर कटता है तो यहाँ पे काट सकते हैं, इसको काट लेते हैं, तो 2 से तो कट रहा है, इसको 2 से कटने मतलब आधा हो जाएगा, ये 12 हो गया, और 2 से ये कटेगा, 2 यहाँ पे 19 हो गया, तो 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18, फिर यहाँ 1 बच गया, तो 2 9 जा 18, फिर 9 बार में जाएगा तो 99 आ गया, अब ये 3 से कटेगा
ये भी 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कटने वाला, ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 33 आ गया, ऊपर में 33 और नीचे में 4, तो इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, मतलब कितना आ गया 33/4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है क्योंकि ये नीचे में छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए ये बन जाएगा कितना बार में, 4 8 जा 32 हो गया, तो 32 8 बार में गया, तो बीच में 8 लिखाएगा, 32 इसमें से निकल गया तो 1 बचा, तो 1 ऊपर में चला जाएगा और यहाँ नीचे में 4 का 4 रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली लाइट आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक्चुअली लाइन कट गया है, लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में माइनस है, ये फर्स्ट पार्ट है या मल्टीप्लाई, और ये दूसरा पार्ट है, तो अगर इन दोनों में से कोई कटता है तो उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 2 जा 4 ये कट गया और नहीं कटने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 9 यहाँ पे बीच में माइनस और ऊपर में 1 बचा हुआ है, तो ये 1 हो गया और 2 3 जा 6। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 9 6, ये 3 बार में जाएगा, 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 ये हो गया, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम जो है वो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं और 9 2 जा 18 हो गया 2 बार में, तो 2 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस हो गया, 6 बार में देंगे 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 3 बार में जाता है, तो 3 1 जा 3, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 - 3 इक्वल टू हो जाएगा, 8 - 3 इक्वल टू 5 हो गया, 5/18, यहाँ नीचे में बड़ा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा नहीं और कटने वाला भी नहीं, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 34 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में और भी अदर सब्जेक्ट का भी आते रहता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।